उत्साहित होंगे क्योंकि नए नए पकवान व्यंजनों से दीपावली का पर्व जो मनाएंगे। मगर आपको पता है, जयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के गली कूचड़ों में मिलावटखोरों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। खुले सामान से लेकर डिब्बे बंद खाद्य सामग्री में भी मिलावटखोर अपना खेल खेल चुके हैं। इन मिलावटखोरों की पोल तब खुली जब सरकारी अमला उन मिलावटखोरों के ठिकानों पर जा पहुंचा, जहां धड़ल्ले से मिलावट का काम चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। डिब्बा बंद घी ना जाने कितने घरों में सप्लाई हो चुका होगा। अब ये भी शायद आपकी रसोई में पहुंच जाता अगर वक्त रहते इनकी धरपकड़ ना हुई होती। मामला अजमेर रोड का है। आज सुबह CMHO जयपुर फर्स्ट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड धाबास पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां से मिलावटी ब्रांडेड घी की बड़ी खेप पकड़ी है। सरस और कृष्णा ब्रांड के नाम से बनाए इस घी को आज सुबह मार्केट में सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में लोड किया जा रहा था। उस समय टीम ने छापा मारा और सारा सामान जब्त हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई घी की खेप 100 किलो से भी ज्यादा है। वहीं जयपुर के रोड नंबर 14 विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के यहां सरसों का तेल का नमूना लेकर लगभग 3600 किलोग्राम सरसों का तेल सीज किया गया। इसी परिसर में स्थित गोयल ऑयल एंड दाल मिल के यहां से सरसों का तेल का नमूना लेकर 1300 किलो सरसों का तेल सीज किया गया। वह सूर्या इंटरप्राइजेस विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के यहाँ मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व धनिया पाउडर का नमूना लेकर 735 किलोग्राम धनिया पाउडर सीज किया गया। वहीं तिरुपति उद्योग झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के यहां से सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल का भी नमूना लिया गया। इन सभी में मिलावट खोरी पाई गई। सर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जी। सरकार द्वारा, तो सर एक बात मुझे आप ये बताएं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। ये शुरू से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है लोगों के लिए। आम लोगों को शुद्ध रूप से मिठाई मिल जाए, शुद्ध खाना मिल जाए, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है सरकार की। इसी को लेकर माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष अभियान चलवाया है त्योहार देखते हुए, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट को शामिल किया है। इसमें प्रशासन जो जयपुर के और विभिन्न जिलों के प्रशासन है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा बाढ़ माप विभाग के लोग शामिल किया गया है। इसके अलावा जो अभी सड़क डेयरी है उनके लोग शामिल किया गया है, पुलिस को शामिल किया गया है और हेल्थ विभाग को, हेल्थ डिपार्टमेंट शामिल किया गया है। उन सबको लेकर ये चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कि जहां भी गलत काम किया जा रहा है वहां पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों की शिकायत सुनी जा रही है, लोगों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि इसी कारण से लोग बात जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। ये प्रक्रिया पूरे त्यौहार के दौरान जारी रहेगी। ठीक है, एक बात बताएं, सप्ताह भर में कितने छापे अब तक पड़ गए होंगे इस कार्रवाई को लेकर? लगातार प्रशासन छापे मार रहा है, लगातार सैंपलिंग की काफी होती है। इसके अतिरिक्त जो गलत काम कर रहे हैं उनकी बात सामने आती है, बाकी लोगों के सैंपल लिए आते हैं, सैंपल लेने के बाद उनकी जांच कराई जाती है। जांच के आधार पर यदि गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में उनका इस तरह पेश किया जाता है, मतलब कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई से जो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को असर पड़ेगा और उन लोगों को अस्वस्थ होना पड़ेगा और ये काम जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करना पड़ेगा। सर, एक मेरा सवाल था आपसे कि जो मिलावटखोर है वो पूरे साल भर मिलावटखोरी करते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि वो स्पेशली त्योहारों पर करते हैं, तो आप पूरे साल भर अवेयर क्यों नहीं रहते हैं इस मामले को लेकर? नहीं, ये गलत बात है। पूरे साल भर कार्रवाई की जाती है, लगभग हर फूड इंस्पेक्टर को लगभग सप्ताह में 10 सैंपल लेना अनिवार्य है, लगातार सैंपलिंग जारी रहती है। और यही कारण है कि जयपुर जिले के अंदर आज तक, यदि हम दूध की बात करें, मेन मिलावट दूध में होती है, आज तक कोई भी मिलावट दूध के अंदर पानी के अलावा कोई मिलावट नहीं पाई गई है। यही ये डिपार्टमेंट और सरकार का इंकलाब है कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि दूध के अंदर कोई मिलावट कर पाए। ऐसी गलत बात है कि यदि पूरे साल भर ये कार्रवाई की जाती है, त्योहारों पर विशेष कार्रवाई की जाती है, अलग से कार्रवाई की जाती है, सैंपलिंग मात्रा बढ़ जाती है और लोगों को सर लगातार इतनी कार्रवाई होने के बाद में भी जो मिलावट हो रहे वो रुक क्यों नहीं रहे, उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता? देखिए, ये कानून प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया हमारे देश के अंदर जिस तरह चलती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।
निश्चित रूप से एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मॉरल रूप से आदमी को डेवलप होना पड़ता है। यदि जी मॉरल आदमी आदमी मॉरल यदि डेवलप है तो उसके अंदर देश के लिए गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती है लोगों के अंदर। कुछ लोग ऐसे जरूर है देश के समाज के अंदर जो गलत काम करते रहते हैं, जी समय समय पर उनको पकड़ा जाता है और कानून की पेचीदगियों से बचने के लिए वो विभिन्न प्रकार के आतंक अपनाते हैं। पर डिपार्टमेंट और सरकार की कोई कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को रोकथाम की जाए और उसके पूरे प्रयास किए जाते हैं। सर, आप लोगों के पास तो लैब है, उसमें आप जांच कर लेते हैं, आप लोगों को पता लग जाता है कि इस सामान में मिलावट हुई है या नहीं है, ये शुद्ध है या ये अशुद्ध है, बट आम जनता कैसे पता करेगी? आम जनता को यदि कहीं लगता है कि कहीं मिलावट है, उनको खाने पे मालूम चलता है या कहीं बात चल या देखने में मालूम चलता है, तो तुरंत वो अपने सीएमएचओ ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, 181 पे शिकायत कर सकते हैं। अन्य हमारे जो उपलब्ध हमारे जो जो हमारे RTI के तहत हमारे पर शिकायत कर सकते हैं किसी की भी, उसके आधार पर हमारी टीम जाके वहाँ पर जाके सैंपलिंग करती है, सैंपलिंग करने के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने की। अगर आपको भी कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट होने का शक हो या मिलावट की पहचान करने का कोई तरीका आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे साझा करें और बने मिलावट के खिलाफ जागरूकता अभियान के सिपाही। फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।